कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, हमारे लिए किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा। इसी भाव से भारत सरकार लगातार किसानों के कल्याण कार्य में जुटी हुई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में तीसरी बार भाजपा के आने के बाद से नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार किसानों के काम में लगी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की किसानों और कृषि के प्रति प्रतिबद्धता है, जो उन्होंने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए और अपने पहले कार्यक्रम में भी किसानों के बीच हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं इस राशि के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजनाएं, कृषि के विविधीकरण के काम में हम लोग लगे हैं। फूल फल सब्जी औषधि पशुपालन मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। कीटनाशकों के प्रयोग से धरती बंजर ना हो जाए, इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया है। कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन रात प्रयास करेंगे, सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और यह फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगुनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी, और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।